अच्छा, ये एक स्पास्टिक हैंड है और इनको जो है बचपन से ही एक हाथ और एक पैर में ये ऐसी दिक्कत है। तो ये पेशेंट की जो एज है वो 20 साल की एज है। ये अपने हाथ में कोई भी काम करती हैं तो इनको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। कोई चीज़ को पकड़ते वक्त इनको जो है जैसा ये चाहते हैं वैसा ये उस तरीके से उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं। फिंगर्स के मूवमेंट को करने के लिए या फिर कलाई को ऊपर नीचे करने के लिए बार बार हाथ को घुमाना पड़ता है। अंगूठा बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो ऐसे पेशेंट्स की स्ट्रेचिंग तो होती रहती है, चलता रहता है, पर ये टेम्प्रेरी रूप से ये ऐसे ही रह जाता है। ये ऑपरेशन के बाद का स्पास्टिक हैंड है जो कि इनके फुल्ली इनके कंट्रोल में है। ये जब सोच रहे हैं उतने ही सेकंड्स में इसको ओपन कर पा रहे हैं, उंगलियों को बंद कर पा रहे हैं, ठीक है। कलाई को भी जो है ये अपनी इच्छा से ऊपर नीचे कर पा रहे हैं। फिंगर्स को भी अपनी इच्छा से ऊपर नीचे कर पा रहे हैं और कंट्रोल के साथ में कर पा रहे हैं। ऐसे पेशेंट का जो है अगर देखा जाए तो इनको अगर अंगूठा हिलाने के लिए कहते हैं तो ये अंगूठा भी आपको कंट्रोल के साथ में बिल्कुल जब सोच रहे हैं जब ये अंगूठे को हिला पा रहे हैं उसी वक्त हिला पा रहे हैं। हाथ को जो है इजीली वो घुमा पा रहे हैं, अनकंट्रोल्ड नहीं है, और फिंगर को बंद भी कर पा रहे हैं और खोल भी पा रहे हैं। कलाई को भी अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। कलाई इनकी ज़्यादा नहीं मुड़ रही है, इसकी वजह से इनकी जो ताकत जो है सारी जो फिंगर्स के ऊपर जाएगी जिससे कि फ्यूचर में इनकी फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आज का जो वीडियो बन रहा है ये वीडियो स्पास्टिक जो हैंड होते हैं जिनको कोई ब्रेन के अंदर जो चोट लग गई है या फिर जो जन्म से जो है ब्रेन में कोई इंजरी होने की वजह से या फिर जब डिलीवरी हो जाती है तो ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि हाथ के अंदर जो मूवमेंट्स होने चाहिए जो नॉर्मल जो मूवमेंट होने चाहिए वो मूवमेंट अपन को देखने को नहीं मिलते हैं। अगर वो कोई उनका ऐसा नहीं है कि उनमें कोई मसल्स की वीकनेस होती है या फिर किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होता है, अगर उनकी मसल्स को चेक किया जाएगा मसल्स भी काफ़ी अच्छी जो है स्ट्रेंथ में आपको देखने को मिलती है, जॉइंट उनके सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और उनके मूवमेंट सारे होते हैं, ठीक है। ऐसे उनको कोई भी शोल्डर मूवमेंट करने के लिए बोलेंगे तो मूवमेंट होगा, ठीक है, एल्बो के लिए बोलेंगे तो एल्बो का भी होगा, रिस्ट का, फिंगर का, सबके मूवमेंट देखने को मिलेंगे और हर जॉइंट की जो मसल्स होती है वो इनको काफ़ी अच्छी पावर में देखने को भी मिलती है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं जब इनके पास सब कुछ होता है तो उनके पास में एक ही जो चीज़ होती है वो ये देखने को मिलती है कि गलत पैटर्न के साथ में बार बार मूवमेंट्स को करते रहते हैं, अपनी जो फंक्शनल जो एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, उसको अच्छे से कर नहीं पाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देके अब एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ पेशेंट्स के जो हाथ जो होते हैं इस तरीके से होते हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो हाथ जो होता है वो उसी हाथ को उसको ऑब्जेक्ट को पकड़ते रहते हैं, उसको ऊपर कभी कलाई को ऊपर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिससे कि उनकी जो स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग है वो भी इनको देखने को नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके का पैटर्न रहता है, ऐसे करते रहते हैं हाथों को, ऐसे करते रहते हैं हाथ को, ऐसे रखते हैं, कोई चीज़ को पकड़नी है तो जो एल्बो जो है वो स्ट्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे लेके आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके जो पैटर्न्स होते हैं वो पैटर्न्स को हम जो है अगर स्ट्रेचिंग करते रहते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है, या मैं खुद भी होता हूँ, तो उनको जो है एक समय तक की जो है स्ट्रेचिंग की नीड होती है। अगर स्ट्रेचिंग से वो ठीक नहीं हो पा रहा है, रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो आपको जो है पोस्ट ऑपरेटिव जो होती है एक्सरसाइजेज वगैरह वो आपको करवानी चाहिए, होनी चाहिए। अगर ऑपरेशन के बाद में आप हैंड का जो ऑपरेशन अगर हो जाता है उसके बाद में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या उसको फंक्शनल एक्टिविटीज़ में डालते हैं हैंड को, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ये देखने को मिलता है कि उनकी जो फंक्शन जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब इम्प्रूवमेंट क्या देखने को मिलेगा, जो एक तो वो गलत पैटर्न से एक थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है कि हाथ को ऐसे करके लेके जा रहा है, वो एक नॉर्मल बिहेव नहीं लगता है हैंड का, एक तो वो उसका कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, जो उसका टाइम कंज्यूमिंग था, जो काम हम 3 सेकंड में या 5 सेकंड में कर लेते हैं, स्पास्टिक हैंड वाले जो पेशेंट होते हैं वो उसको करने के लिए 30 सेकंड या फिर कभी कभार 1 मिनट भी उनको लग जाती है। तो वो जो टाइम कंज्यूमिंग है वो एक ऑपरेशन के बाद की फंक्शनल जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, एक पैटर्न थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो ऑपरेशन के बाद में अगर आपको पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज करनी होती है तो उसके लिए बिल्कुल अलग से होती है एक्सरसाइज वगैरह, वो आपको करनी चाहिए। धन्यवाद।